हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है या अप्रेंटिसशिप्स निकलती है, उनके बारे में नोटिफिकेशन की जानकारी दी जाती है। अभी हाल ही में DRDO जो NMRL में अप्रेंटिसशिप की जानकारी वैकेंसी निकली थी, उसका भी नोटिफिकेशन आया था और उसका वीडियो हमने बनाया था। आज हम जो बताने जा रहे हैं वो यूरेनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड UCIL अप्रेंटिसशिप 2020 निकली है। इसकी योग्यता रखी गई है 10+ ITI। इसकी फुल डिटेल और फॉर्म कैसे भरते हैं वो भी हम देखेंगे। इससे पहले आपको बता दूं, लास्ट डेट जो है वो 16 दिसंबर ही रखी गई है। 16 दिसंबर तक जो फॉर्म है फिलअप होके उन तक पहुंच जाना चाहिए। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वैकेंसी जो निकली है ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2020, इसके अंतर्गत ये एडवर्टाइजमेंट नंबर के अंतर्गत निकली है। UCIL यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL Tummalapalle invites application for XITI candidate for trade apprenticeship के लिए निकली है। 30 इसमें वैकेंसी है और जो 30 वैकेंसी है वो कौन कौन सी है वो भी बता देते हैं। तो इसमें ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप है, इसमें फिटर में 8 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन के अंदर भी 8 पोस्ट हैं, वेल्डर के अंदर 3 पोस्ट है, टर्नर के अंदर 3 पोस्ट है, मैकेनिक डीजल के अंदर 4 पोस्ट है, कारपेंटर के अंदर 2 पोस्ट है और प्लम्बर के अंदर 2 पोस्ट है। इस प्रकार कुल पोस्ट कितनी है, 30 पोस्ट जो है वो निकाली गई है अप्रेंटिसेज की। रिजर्वेशन की बात करें तो SC ST EWS और OBC के लिए जो वैकेंसीज रखी गई हैं वो रिजर्व्ड इन अकॉर्डिंग टू विद Section 3A and 2 एंड Section 3B and 2 बोथ द चैप्टर 2 ऑफ अप्रेंटिसेज एक्ट है 1961, उसके अंतर्गत रखी गई है। फिजिकल हैंडीकैप्टेड के लिए 3% ऑफ वैकेंसीज फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आर रिजर्व, 3% वैकेंसीज वो रिजर्व रखी गई है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मैट्रिक या जिसको हम बोलते हैं Standard 10 वो 50% होनी चाहिए अनरिजर्व्ड OBC और EWS के लिए और 45% होना चाहिए SC ST कैंडिडेट के लिए। इसके साथ में ITI होना चाहिए विद ट्रेड 60% मार्क्स के साथ ITI होना चाहिए, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, और NCVT से वो अप्रूव होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। एज लिमिट 18 साल से 25 साल होनी चाहिए, कब तक, 30/11/2020 तक वो 18 साल मिनिमम और 25 साल मैक्सिमम। रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रखे जाएंगे। और यहाँ पर बात ये देखनी है, अगर हु हैज़ ऑलरेडी अंडरगोन एंड आर करेंटली अंडरगोइंग, या तो कर चुका है या अभी अप्रेंटिसशिप कर रहा है कहीं पर, तो वो आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, वो अप्लाई नहीं होगा, चाहे गवर्नमेंट में हो या चाहे पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो। तो ये बात भी याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं पेमेंट की, तो मिनिमम रेट ऑफ स्टाइपेंड पर मंथ पेबेबल टू अप्रेंटिसशिप, जो भी मिनिमम रेट है इस रूल नंबर 11 के अकॉर्डिंग वो पेमेंट किया जाएगा पर मंथ के हिसाब से। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर क्या है, मेरिट बेस्ड और ITI मार्क्स, मेरिट बेस्ड पर है, ऑन मेरिट बेस्ड, कोई भी एग्जाम नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ओनली मेरिट बेस्ड है। मेरिट किस पर बनेगी, मैट्रिक और ITI मार्क्स पर, यानी क्लास 10th और ITI मार्क्स पर मेरिट बनेगी, उसी से फिर सिलेक्शन किया जाएगा। अकोमोडेशन की अगर हम बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको अपना खुद का अरेंजमेंट करना पड़ेगा ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप पीरियड के दौरान खुद का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, जो एप्लीकेशन है वो किस हिसाब से भेजनी है। तो एप्लीकेशन जो है वो टाइप्ड एप्लीकेशन होनी चाहिए, टाइप्ड एप्लीकेशन मतलब हाथ से नहीं लिखी होनी चाहिए, टाइप्ड एप्लीकेशन होनी चाहिए। फॉर्मेट अभी हम बात करेंगे आगे वीडियो में, तो बने रहिएगा। अब जो एप्लीकेशन है उसमें जेरोक्स कॉपी होनी चाहिए, SSC बोर्ड सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेशन मार्कशीट एंड प्रूफ ऑफ डेथ सर्टिफिकेट। देखिए 10th के मार्कशीट के साथ कई बार डेथ लिखी आती है तो वही डेथ सर्टिफिकेट भी हो जाता है, कई बार डेथ सर्टिफिकेट अलग से आता है, 10th का सर्टिफिकेट तो वो अलग से हो जाता है। 10th की मार्कशीट और वो प्रूफ हमें भेजना है,
आईटीआई का पास सर्टिफिकेट भेजना है, कास्ट सर्टिफिकेट भेजना है, और मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी फिजिकली हैंडीकैप्टेड है उनके लिए भेजना है। आधार और पैन कार्ड कंपलसरी है, आधार और पैन कार्ड तो जानी चाहिए। वन सेल्फ एड्रेस एनवलप, एक सेल्फ एड्रेस एनवलप भी भेजना है, यानी एक एनवलप में तो ये भेजेंगे, साथ में एक सेल्फ एड्रेस एनवलप भी जाएगा। ड्यूली फिल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन कंप्लीट इन अलोंग ऑल रेस्पेक्ट अलोंग, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और ऑन और बिफोर स्पीड पोस्ट से होना चाहिए, शुड बी सेंट थ्रू स्पीड पोस्ट 16/12/2020 से पहले या 16/12/2020 तक, ये एड्रेस आपको दिया हुआ है यहाँ पर नोटिफिकेशन में, तो ये एड्रेस पर आपको भेजना है, और अगर इनकम्प्लीट फॉर्म होगा तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से ही एप्लीकेशन भेजनी है। एम्प्लॉयमेंट एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961 इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर UCIL एम्प्लॉयज ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, देर आर नो प्रीवियस प्रोविजंस फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, मतलब UCIL एम्प्लॉयज अप्रेंटिस को डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है कि वो कंप्लीट करें, तो ये भी एम्प्लॉयमेंट के रूल है। और जो नाइन्थ है नॉट, इसमें दिया हुआ कि मेयर फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉर्म्स डज नॉट एंटाइल ए कैंडिडेट टू बी कंसिडर फॉर एंगेजमेंट एज अप्रेंटिसशिप, ये मतलब नहीं है कि अगर क्राइटेरिया फुलफिल करे तो उसको वो दे ही दी जाएगी, उसके लिए मेरिट का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। एप्लीकेशन इज रिजेक्ट लाइबल फॉर रिजेक्शन भी हो सकती है किसी भी स्टेज पर, सरफेस सप्रेशन और फर्निशिंग ऑफ फॉल्स, अगर गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है विदाउट एनक्लोजिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो वो किसी भी स्टेज पे गलत रिजेक्ट भी हो सकता है, इसलिए फॉर्म को ढंग से हमें भरना है। और ये सब है, कैंडिडेट होल्डिंग ITI के सर्टिफिकेट कैन ओनली अप्लाई, जिनके पास ITI का सर्टिफिकेट है वही अप्लाई कर सकते हैं। देयर कैन नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर टू अप्लाई फॉर द अबाव अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, अगर जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट का जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो नहीं भेज सकते, इसके साथ सर्टिफिकेट हमें भेजना पड़ेगा। लास्ट डेट जो है वो 16/12/2020 से इससे पहले तक चले जाना चाहिए। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है जिसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। ट्रेड अप्लाइड फॉर, कौन सी ट्रेड के लिए अप्लाई करना है, फोटो है वो पेस्ट करनी है, पिन नहीं करनी है, कलर फोटो हमें भेजनी है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जेंडर मेल या फीमेल, फादर्स नेम जो कि मैट्रिक सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, नेम वही होना चाहिए जो मैट्रिक सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो कि मैट्रिक सर्टिफिकेट में है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, SSC मैट्रिकुलेशन नेम लिखना है, टोटल मार्क्स लिखने, ऑब्टेंड मार्क्स, टोटल मार्क्स जैसे 1000 है तो 1000 में कितने मार्क्स आए, परसेंटेज, ईयर ऑफ पासिंग, ऐसे ही ITI के लिए लिखना है। नेम ऑफ द ITI विद एफिलेशन नंबर, कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी, लेटर इश्यूड और डेटेड, ये तीनों चीज़ें लिखनी है यहाँ पर, याद रखना। फिजिकली चेंज्ड है तो फिजिकली चेंज्ड पे यहाँ पे हमें यस करना है। वेदर सन ऑफ UCIL एम्प्लॉय, वेदर सन ऑफ UCIL एम्प्लॉय है तो यहाँ पर यस नो करना है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ फादर, फादर की क्या पोस्टिंग है वो लिखनी है, एम्प्लॉयमेंट लिखना है। वेदर लैंड डिसेबल्ड, लैंड डिसप्लेस्ड है तो वो भी लिखना है। प्रोजेक्ट अफेक्टेड है तो वो सब भी यहाँ पर हमें लिखने हैं। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, पिन यहाँ पे बिल्कुल ढंग से लिखना है क्योंकि पिन ही है जिससे हमारा एड्रेस सही होता है। मोबाइल नंबर भी लिखने हैं। एक्टिव ईमेल आईडी कंपलसरी है क्योंकि कम्युनिकेशन वो ईमेल आईडी से ही हो सकता है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन लिखना है और फिर यहाँ पर हमारे को साइन करने हैं। साइन बिल्कुल साफ होने चाहिए, सुथरे होने चाहिए। ये है जो कि डॉक्यूमेंट भेजने, 10th ITI कम्युनिटी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तीन फ़ोटो भेजनी है हमें। सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप, एड्रेस फोटो को प्रूफ कॉपी, एड्रेस प्रूफ कॉपी जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया या और कोई, लैंड सर्टिफिकेट कॉपी UCIL और सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्टेड इफ़ एप्लीकेबल। तो ये सारी जानकारियाँ हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। टारगेट एजुकेशन क्लासेज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल दी वेरी बेस्ट।